हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी चारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखेंगे जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन चल रहा है उनके पार्टनर से, उनके पर्सन के साथ, वो उनके लिए कैसा फील कर रहे हैं। जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट है उनके पार्टनर्स उनके लिए इस टाइम कैसा फील कर रहे हैं। दिस इज अ कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। चैनल पर न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई रीडिंग आप मिस ना कर सकें। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स लेने में इंटरेस्टेड हैं या पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ चेक इट आउट एंड मस्ट फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम फॉर शॉर्ट इंग्लिश रीडिंग्स। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। अपने पर्सन पे फोकस करिए जिन लोगों के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है, या आपके एक्स पार्टनर, एक्स लवर, एक्स हस्बैंड हो सकता है, एक्स वाइफ, एक्स फियोंसी हो सकता है, जिनके साथ इस टाइम आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। कोई बात नहीं हो रही, आपके दरमियान सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, ये किसी भी तरह से आप लोग सेपरेशन में हो, तो देखते हैं उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। अपने पर्सन से अपनी एनर्जी को अलाइन करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। नाउ लेट्स सी। अपने पर्सन को अपने माइंड में रखें, उनकी पिक्चर देख सकते हैं आप, उनका नाम रिपीट कर सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या फीलिंग्स हैं जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, उनके पार्टनर्स उनके लिए कैसा फील कर रहे हैं। यूनिवर्स का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग, सो आप जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा, बट किसी भी चीज को आपने जबरदस्ती अपने पे फिट नहीं करना। फर्स्ट वी हैव किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। देन वी हैव नंबर 7, ओके, देन वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दिस इज अ 7 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. This is a 7 of Wands, sorry guys. Yeah, because थोड़ा सा ये obviously नई deck है, तो इसकी pictorial भी थोड़ी सी different है। We have 3 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 31, 37 age हो सकती है इस person की, number 13, 17 आपके लिए important हो सकता है। Then we have Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Then we have 10 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. 11 number आपके लिए important है, number 10 important है, number 1. Definitely guys, यहाँ पे no contact situation है आपका, या तो इस person ने आपको बहुत बुरी तरह से pain दी है, बहुत बुरी तरह से आपको धोखा दिया है, because यहाँ पे betrayal की energy है, जैसे किसी की वजह से ऐसे लग रहा है इस person ने आपको छोड़ा है। This is a bleeding. डेफिनेटली गाइस ऐसे लग रहा है आप ब्लीड की हो, इस पर्सन ने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया। ओके, वी हैव द हर्मिट, नंबर 9। या कुछ लोगों की तरफ से ये सिचुएशन दिख रही है गाइस कि ये जो भी इंसान है इसने आप लोगों को गोस्ट किया है, यस, बिना कोई क्लैरिटी दिए, बिना कोई बात किए ये पर्सन गायब हो गया, गोस्टिंग की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों को साइलेंट ट्रीटमेंट देते रहे हैं, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं की आप लोगों से, और आपको छोड़ के इस पर्सन ने चले गया। लाइक ऑब्वियसली दिस इज अ चीटिंग। अगर कोई इंसान आपको बिना क्लैरिटी दिए, बिना कोई बात बताए गायब ही हो गया, टोटली कनेक्शन एक एंडिंग की एंडिंग हो गई है, तो वो चीटिंग है, वो धोखे की एनर्जी है। तो यहाँ पे धोखा मिला है आप लोगों को इस पर्सन से, और इस पर्सन ने हो सकता है किसी की वजह से आपको छोड़ा है, यस, बट राइट नाउ आपकी दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है। इस पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पे ये हैं, इसको लगता है आप बहुत दूर जा चुके हो, ठीक है, आप दोनों के दरमियान बहुत दूरी आ चुकी है। या तो ये फिजिकली दूर रहते हैं आप लोगों से, अदरवाइज डेफिनेटली ये जब आप लोगों को देखते हैं ना आप, बिकॉज ये पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपको छोड़ के गया, आपके साथ सब चीज़ें एंडिंग किया, बहुत बुरी तरह से यहाँ पर बैक स्टैबिंग की एनर्जी है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है आप लोगों से बहुत ज़्यादा, ये पर्सन ने आपको बहुत ही ज़्यादा एक यूज़लेस इंसान की तरह, यूज़लेस चीज़ की तरह ट्रीट किया है, कि जो बहुत ही अनवर्थी है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी इसकी नज़र में। आप देख सकते हो इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया है आप लोगों के ऊपर, और जैसे तरले वगैरह करवाना, जैसे एक इंसान आपके बहुत तरले कर रहा है, वो सिचुएशन आप लोगों से करवाई है आपने, मुझे लगता है किए भी हैं इस पर्सन से। लिटरली आप लोगों ने बैकिंग की है कि तुम मुझे छोड़ के ना जाओ, या कभी कनेक्शन ना ख़त्म करना, आप बहुत रोए हो इस पर्सन के लिए, लेकिन स्टिल इस पर्सन ने आपकी कोई वैल्यू नहीं की, कोई कदर नहीं की, और आपको बड़ी बुरी तरह से इस पर्सन ने हर्ट किया है।
ये पर्सन ने उस जब पास्ट की एनर्जी दिख रही है ना छोड़ने की रीज़न, वो ये दिख रही है गाइज कि ये पर्सन आप लोगों को लेकर बहुत ही कोल्ड था, डिटैच था, बहुत ज़्यादा माइंड से सोचता था, बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन ने लॉजिकली आप लोगों को ट्रीट किया। कोई भी इमोशंस मुझे पास्ट में इस पर्सन के आप लोगों को लेकर नज़र नहीं आ रहे। यस, जैसे इस पर्सन ने आपको बहुत ही ज़्यादा आप पे रूल किया है, अपनी मर्जी चलाई है आप लोगों के ऊपर, और स्टिल आप लोग अगर बात मानते भी थे फिर भी इस पर्सन ने कोई वैल्यू नहीं की आपकी, ज़रा से भी मुझे नहीं लग रहा इस पर्सन ने कोई वैल्यू की है। और आपको गोस्ट किया इस पर्सन ने, गोस्ट करके छोड़ के चले गया, शायद बहुत दूर जा चुका है, अवॉइड कर रहा था ये पर्सन आप लोगों से बात करना। यस, बिकॉज इस पर्सन को लगता था आप लोग हमेशा से इस पर्सन से प्यार करते हो तो इसका मतलब हमेशा करते रहोगे, आपकी कोई वैल्यू आपकी नज़र में भी नहीं रही थी, बहुत ही ज़्यादा अनवर्दी, बहुत ही ज़्यादा एक यू नो बहुत ही एक मामूली मामूली से भी क्या घिरे से घिरा हुआ इंसान इस पर्सन ने आपको फील करवाया। आई डोंट वांट टू से दीज वर्ड्स बट यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है कि जैसे आप देखो ये पर्सन कैसे उसके पैरों में पड़ा हुआ है, ऐसे करना चाहा है इस पर्सन ने। आपने शायद लव कन्फेस कर दिया था और ऑब्वियसली लव कन्फेस किया तो इसने आपका बुरा हाल किया, चाहे ये मेल है या फीमेल है, जो भी एनर्जी है यहाँ पे। बट अभी सिचुएशन गाइज ये दिख रही है कि ये पर्सन जो है ना सोल सर्चिंग कर रहा है, अब इसको रियलाइज हो रहा है कि इसने क्या गलती की थी। पहले इस पर्सन ने बाउंड्रीज बनाई, आपको ब्लॉक कर दिया हर जगह से, अपने लिए स्टैंड लिया, जो इसके लिए ठीक था इसने वो किया। बट अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि ये अब आपके पास वापस आना चाह रहा है, बिकॉज विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, लिटरली इस पर्सन के इमोशंस अब आप लोगों को लेकर काफ़ी इमोशनली डिवेलप हो चुके हैं, एंड ये आपकी तरफ आने के लिए अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ऑब्वियसली पास्ट में इसने जो भी कुछ किया है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस है आप कि आप क्या कुछ करें, किस तरह से आए। हो सकता है इस पर्सन ने आपको छोड़ के जिसको चूज़ किया था या जिस भी सिचुएशन को चूज़ किया था, कोई चीज़ थी, कोई इंसान था, तो अब लिटरली उसने भी इसका वही हाल किया जो ये आपका करके गया था, और अब इसको भी किसी ने पेन दी है, इस पर्सन को भी धोखा मिला है, बेट्रियल इस पर्सन को भी मिला है, दैट्स वाई अब आपकी कदर फील हो रही है इसको, और इस पर्सन को वो लव याद आ रहा है जो आप इस पर्सन को देते थे। तो लिटरली दिस पर्सन इज़ हेल्पलेस, इसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है क्या करे, समझ नहीं आ रही किस तरफ जाए, ऐसे लग रहा है जैसे ये जर्नलिंग भी कर रहा है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा गाइस फील कर रहा है आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो गए हो, इसके जितने ज़्यादा रोमांटिक लविंग इमोशंस आपको लेकर आप भर रहे हैं ना गाइस, तो ये देख रहा है आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इमोशनली सेटल कर चुके हो। पहले आप इमोशनली काफ़ी एक्सप्रेसिव थे, लेकिन दिस इज़ अ नेचुरल कि अगर आप लोगों की कदर नहीं की जा रही, आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं की जा रही, तो आप अपने इमोशंस को फिर कंट्रोल करना सीख जाते हो, इंटेलिजेंट हो जाते हो, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो चुके हो। ऐसा नहीं है कि आप लविंग नहीं रहे हो, बट इसके लिए वो इमोशंस आपके नहीं रहे, लेकिन स्टिल ये जानना चाहता है कि आप लोगों इसके लिए कैसा फील कर रहे हो, अब आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये देख रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे पर्सन आप पे नज़र रख रहा है, जैसे देख रहा है कि आपकी वो इमोशंस रहे भी हैं या नहीं रहे, या आप लोग अब इस पर्सन को लेकर क्या फील कर रहे हो, बिकॉज ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में प्लान कर रहा है आप लोगों से कम्युनिकेशन करने का, ये बात करना चाहता है गाइज आपसे, बिकॉज दे फील यू गाइज आर वेरी यू नो आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हो, इसको चेंज नज़र आ रहा है विजिबल। आप पहले इमोशनल थे, लेकिन जब इसने आपके इमोशंस को बहुत बुरी तरह से हर्ट किया, उसको अपने पैरों के नीचे रौंदा है, तो फिर आप लोगों ने अपनी पावर जान ली है, अब आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा ग्रूमिंग हो चुकी है, आप लोग सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ वैल्यू जान चुके हो, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी क्या है आप वो इम्पोर्टेंस दे रहे हो, एंड आई फील आप लोगों ने इस पर्सन को शायद ब्लॉक कर दिया है, या तो इसने आपकी तरफ आने की कोशिश की है एंड आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अदरवाइज आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि इस टाइम जो जिस वजह से ये भी छोड़ के गया था आपको, या इस पर्सन ने आपको बड़ी बुरी तरह से धोखा दिया, चीट किया आप लोगों को, अब ये अगर आपकी तरफ आता है तो आप इस पर्सन को दूर करोगे अपने आप से, लाइक यू गाइज आर टोटली इन अ प्रोटेक्टिंग सिचुएशन कि आप इस पर्सन को अपने पास नहीं आने दोगे, बिकॉज आपको लगता है कि ये इंसान बिल्कुल भी आपके लायक नहीं है, अब आपको ऐसा फील हो रहा है, और ये पर्सन आपका जो भी है ना ये पार्टनर, वो इस टाइम फील कर रहा है कि अब आप इसको अपने पास नहीं आने दोगे, क्योंकि ये पहले भी इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है और अभी भी आपको ये पेन देगा, आप ऐसा फील कर रहे हो।
ठीक है, तो आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो चुका, आप में आ चुका है, आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हो, काफ़ी विजडम, काफ़ी नॉलेज आ चुकी है। इस टाइम आप लोग इस पर्सन को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि ओब्वियसली जब आप अपने आप वर्क करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, तो आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करोगे और बहुत सारे लोग आपकी तरफ आना चाहेंगे, आपके साथ रिलेशन बनाने चाहेंगे। तो ये आपके अंदर चेंजिंग जो देख रहा है, ये इसको लग रहा है आप अपने फ्यूचर को लेकर आगे बढ़ गए हो, आपने अपने फ्यूचर के गोल्स सेट कर लिए हैं। मे बी हो सकता है आप लोगों ने शिफ्ट कर ली है, हो सकता है आप लोग यहाँ तो ट्रैवल कर रहे हो बहुत ज़्यादा, कहीं देख रहा है ये पर्सन आपको, या फिर आप लोगों ने अपनी कोई ना कोई प्लेस चेंज की है, कोई घर चेंज किया है, कहीं शिफ्टिंग की है, या तो आउट ऑफ कंट्री चले गए हो या आउट ऑफ सिटी चले गए हो, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजिंग आप लोगों में देखी है इस पर्सन ने, जहाँ से इसको लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हो, अपने खुद के लिए आप स्टैंड लेना सीख गए हो, इसीलिए अब आप इस पर्सन से अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे। अगर कोशिश कर भी रहा है तो आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, अगर कोशिश करना चाहता है तो इसको लगता है कि आप प्रोटेक्ट करोगे, अगर आपने इसको अनब्लॉक रखा है तो आप ब्लॉक कर दोगे इसको, इसकी बता के ना कि तुमने ये किया ये किया, ऐसे बता के आप इसको कर दोगे ब्लॉक, क्योंकि आप अपने लिए डिफेंसिव हो इस टाइम, आप अपने लिए स्टैंड लोगे। पहले आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, हमेशा आपने इस पर्सन को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सोचा, बट अभी आप लोगों ने अपने बारे में सोचना है, इस पर्सन के बारे में नहीं सोचना, ये इसकी फील हो रहा है। एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट, ये आपकी तरफ आना चाहता है, बिकॉज ये चाहते हैं कि आप इनको अपॉर्चुनिटी दीजिए ताकि रिलेशनशिप एक अच्छे से ये इन्वेस्ट कर पाए। तो आप भी यही कहोगे कि अब इसका मूड है तो हम इन्वेस्ट करें, जब हम रेडी थे तब तो ये कर नहीं रहा था। आई थिंक अब ये पर्सन टोटली सिंगल है, और ऑब्वियसली आप भी सिंगल हो, बट थर्ड पार्टी मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे है, अगर थी तो रिमूव हो चुकी है, बट ये आना चाहता है। यहाँ पे मैरिज लोगों की बात नहीं हो रही, अगर मैरिड है भी है तो ये पर्सन कोई ज़्यादा हैप्पी नहीं है अपनी मैरिज में, अगर ये पर्सन मैरिड है तो, बट ये जो भी इंसान है मुझे लग रहा है सिंगल की एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, और ये फ्यूचर में आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है पेंटिकल्स की, एक न्यू बिगनिंग चाहता है ये पर्सन करना। एंड आई फील ये पर्सन ना सोल सर्चिंग कर रहा है, रास्ता तलाश कर रहा है, कोई ना कोई ऐसी इस पर्सन को लाइट मिल जाए, टनल मिल जाए, जैसे दिस पर्सन इज फाइंडिंग अ वे टू रीच आउट टू यू गाइस। दुबई से हो सकता है, कुछ लोग इजिप्ट से भी हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है, बट बहुत ही ज़्यादा लाइक डार्कनेस है, उधर से ये पर्सन कोई ना कोई लाइट तलाश कर रहा है आपको अप्रोच करने की, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी टफ टास्क, टफ सिचुएशन फॉर दिस पर्सन। या 30 प्लस मुझे एज दिख रही है, लाइक 39, 31, 37, या ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। आपके लिए जो नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं वो 11 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, अदरवाइज 3, 7, 1, 9 ये लाइफ पाथ नंबर डेट एंड डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इसका या फिर आपका, लेट्स नोट। बट विरगो स्टार साइन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अदरवाइज सबके सब स्टार साइंस यहाँ पे मौजूद हैं, बट इस पर्सन ने बहुत बुरी तरह से गाइस आपको हर्ट किया है। आज से लग रहा है जैसे आपने लिटरली आपने बैगिंग की है इस पर्सन को कि स्टे करेगी आपके साथ, आप इसके लिए काफ़ी इमोशनल हो, लेकिन नहीं, इस पर्सन ने आपकी सुनी नहीं, हर जगह से ब्लॉक कर दिया, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया, गोस्ट कर दिया, कोई बात नहीं करना चाह रहा था, तो कम्युनिकेशन ही नहीं होगी तो सोल्यूशन थोड़ी निकलेगा, ये सिचुएशन नहीं है, बट अभी ये आना चाह रहा है, आप इमोशनल हो रहा है आप लोगों के लिए, बिकॉज आप लोग अपने लिए स्टैंड ले रहे हो ना, अब अपने आप पर फोकस है आपका, दैट्स व्हाई। लेट्स सी मोर, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स हैं। वी हैव एस्केप्ड, वेकेशन, हाइडवे, एडवेंचर, यस गाइस, इसको लग रहा है जैसे आप अपनी लाइफ को टोटली इंजॉय कर रहे हो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इसको लग रहा है जैसे आप लोग इस पर्सन से छुप गए हो, शायद आपके बारे में कुछ भी इस पर्सन को पता नहीं चल रहा, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आपके फ्यूचर के क्या प्लान हैं, आपके फ्यूचर के क्या गोल्स हैं। कुछ लोगों के पार्टनर्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया था अब वही आप इस पर्सन को दे रहे हो, दैट्स वाई इसको लग रहा है आप वेकेशन पे जा रहे हो, आपने आप कुछ लोग यहाँ छुप गए हैं टोटली, आप लोग टोटली आप गोस्ट कर चुके हो इस पर्सन को, या आप टोटली साइलेंट हो गए हो, इस पर्सन के बारे में कोई बात नहीं करते, या बात करने छोड़ दी है, या आप लोग टोटली गायब भी हो गए, कुछ लोगों की तरफ से ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। देन वी हैव रिसिप्ट्स, प्रूफ शोमिंग, या ये अब आपको प्रूफ देना चाहता है, शो करना चाहता है आप लोगों को कि ये आपके लिए क्या फील कर रहा है, आपको कितना चाहता है,
और इसको पता है कि अगर ये वापस आता है ना आपके पास, तो आप यही कहोगे कि प्रूफ करो कि क्या है तुम्हारी फीलिंग्स, या कितनी तुम सीरियस हो, या कितने सीरियस हो, जो भी इनका जेंडर है। सबूत मांगोगे आप, शो करो। देन वी हैव प्लज्ड, टर्न इन इंटरनेट कनेक्टेड। यस, आई थिंक ये पर्सन आपके साथ इंटरनेट पे कनेक्ट होना चाहता है। यस, दिस पर्सन इज़ वेटिंग कि आप लोग किस ऐप्स पे जो हो ज़्यादा एक्टिव हो, या कौन सी ऐप आप यूज़ कर रहे हो सोशल मीडिया की, तो ये वहाँ पे आप लोगों से टच में आना चाहता है। या मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेगा सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट इन्वॉल्व है यहाँ पे। बट शायद हो सकता है आप इंटरनेट पे कोई ज़्यादा पोस्टिंग नहीं कर रहे, और हो सकता है ये पर्सन पोस्टिंग कर रहा है कि आप शायद वहाँ पे कोई रिएक्ट करो, या फिर किसी तरह से इस पर्सन से बात करने की कोशिश करो। बट यू आर टोटली ऑन अ साइलेंट मोड, आप नहीं इस पे फोकस कर रहे क्योंकि आप अपनी लाइफ पे फोकस हो, इसको फील होता है। चाहे आप इसको छुप छुप के देख के क्यों ना रहे हो, लेकिन इसको लगता है आपको इंटरेस्ट नहीं है इसमें। बट आई थिंक ये पर्सन ना सोशल मीडिया के थ्रू आपको अप्रोच करेगा। देन वी हैव लव, अडोर, एडमायर एंड चॉन्ट। या डेफिनेटली गाइस, ये पर्सन आपसे लव स्टार्ट करना चाहता है। या दे हैव सो मच लव फॉर यू राइट नाउ। बट आपको हो गया, अब क्या फ़ायदा, पहले तो हमारे लव की कदर नहीं की, बट अभी इस पर्सन का अडोर करना चाहता है, काफ़ी एडमायर कर रहा है आपको। आपको याद कर रहा है गाइस ये पर्सन सोशल मीडिया के थ्रू। मुझे लगता है या तो ये कोई लव पोस्टिंग कर रहा है, या कोई सैड ऐसी पोस्टिंग कर रहा है, लेकिन बीच में वो आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि आपसे प्यार करता है। लेकिन आप या तो खामोश हो, आपको प्रूफ देने की कोशिश कर रहा है, बट आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा कोई, या आपको रिएक्ट नहीं कर रहा है। डेट्स वाई इसके लग रहा है आप इतने चेंज हो गए हो। ओके, वी हैव देयर एंड नाउ। या गाइज, ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा फील कर रहा है कि आप लोगों के साथ इस पर्सन ने जो पास्ट में किया था ना, आप स्टिल अभी भी उन्हीं चीज़ों को अपने माइंड में लेकर बैठे हो। आप यू गाइज आर टोटली ऑन अ सिटिंग मोड, आप बैठे हुए हो, देख रहे हो कि ये पर्सन कर क्या रहा है, इसने पास्ट में क्या किया था और फ्यूचर में क्या करेगा। आप लोग इस पर्सन से ये हर बात बोलोगे कि जो तुमने पास्ट में किया फ्यूचर में भी वही करोगे, इससे बेटर और क्या कर सकते हो, तो प्रूव आप मांगोगे ना, कैसे प्रूव कर सकता है ये पर्सन, तो ये वो चीज़ों के बारे में सोच रहा है। 32 इनकी एज हो सकती है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट हो सकता है। देन वी हैव लॉयल हार्ट। या डेफिनेटली दिस पर्सन फील्स गाइस कि अब आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल हो रहा है। इस पर्सन के दिल में अब आप लोगों के लिए सारे वो इमोशंस, सारी वो फीलिंग्स आ रही हैं जो पास्ट में कभी आप लोगों के पास थी इस पर्सन को लेकर। 35 एज हो सकती है, नंबर 8 इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब ये पर्सन फील कर रहा है कि आप लोग कितने लॉयल थे, और जब कोई इंसान लॉयल होता है या रोमांटिक होता है लेकर किसी को, तो क्या फील होता है, और अब दूसरे बंदे से, सामने वाले से क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होता है जो ये अब कर रहा है ना, तब इसको फील हो रही है ये चीज़। तो ये काफ़ी ज़्यादा अब आप लोगों के लिए इसके दिल में फीलिंग्स हैं, इस पर्सन के दिल में आप लोगों के लिए लॉयलिटी है, सिंसेरिटी है। दैट्स वही आना चाह रहा है, राउंड एंड राउंड। या बैक टू बैक गाइस, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, लेकिन सोल्यूशन अभी नहीं मिल पा रहा। बट राउंड एंड राउंड चीज़ें चली जा रही हैं, सोचा जा रहा है, सोची जा रहा है। 25 एज, डेट ऑफ बर्थ एंड 5+2=7, नंबर 7 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यस, ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन फाइनली डिसाइड नहीं कर पाया क्या करना है, क्योंकि ये जो भी कुछ कर रहा है ना, पोस्टिंग अगर कर रहा है ये पर्सन, तो इसकी वो पोस्टिंग, वो जो भी इसने एक्सपेक्ट किया था, वो आपके बदले में वो रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा। तो अभी ये सोच रहा है कि अब क्या करें, बिकॉज इसको लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे जा चुके हो, आप इस पर्सन से काफ़ी दूर जा चुके हो, क्योंकि आपका रिएक्ट जो नहीं आ रहा कोई भी, आप किसी तरह से कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, किसी तरह से कोई बात नहीं कर रहे। 47 इनकी अपनी एज भी हो सकती है, नंबर 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 11 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको दिखता है तो इट मीन्स आपकी ये जो भी इंसान है ये आपसे रीयूनियन करना चाह रहा है डेफिनेटली। तो आप काफ़ी डिस्टेंस पे चले जा चुके हो इस पर्सन से, दैट्स वाई इसको समझ नहीं आ रही कि क्या करे। बैक टू बैक सोची जा रहा है, आप क्या कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी बनाए, ऐसा प्लान करे कि किसी तरह से आप बोलो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। या सो दिस इज़ अ क्वाइट इंटरेस्टिंग रीडिंग। या मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपसे रेजोनेट किया या नहीं। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।